ना। और कल हम 20 किलोमीटर पैदल पैदल जाने वाले हैं गणेश जी के, जो बासनी के हिंडोली से बासनी तक की दूरी है 20 किलोमीटर, तो हम वहाँ पैदल पैदल जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई साहब बारिश आ रही है यार, और शॉप पे जाना है। पिक्चर पिक्चर की और हमारी तो कुछ ज्यादा ही दास्तान है, मिली भगत। और बारिश रुक जाए, मतलब इतनी तेज नहीं आ रही, तो गीले होके भी चल चलेंगे यार, लेट बहुत ज्यादा हो गए। और 10-15 दिन से शॉप पे भी नहीं गया मैं, तो अब जा रहा हूँ शॉप पे। देखो यार, शॉप पे पहुँचते पहुँचते पूरा गीला हो गया, जुकाम बीमारी सब अलग है। और थोड़ा बहुत इसे सुखा के फिर सुखा ले बालों। तो भाई दिन में भी, मतलब सुबह भी आया शॉप पे, तब भी बारिश आ रही थी, और अब घर पे जा रहा हूँ, अब भी बारिश आ रही है। सुबह भी गीला हो गया और अब भी गीला ही हो गया, और अब घर की तरफ चल रहे हैं। और आज का पूरा दिन इतना बोरिंग रहता है यार, इतना बोरिंग हद से ज्यादा, मतलब पूछो मत यार, इतना बोरिंग डे। और अब घर पे जाके कुछ नई एक्टिविटी करते हैं। क्या केडी में सुखा रहे थे? केडी में केडी? अच्छा, दूध निकाल रहे हैं गाय का। लगाओ जोर, लगाओ जोर, अरे लगाओ जोर। बाहुबली बाहुबली, ओ आ जाओ बांधो। देखो 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 देखो, एक छोटी गौ माता। देखो दूसरी गई। चलो आ जाओ आ जाओ, अंदर चलते हैं। कौन से ताले को? बाबा लगा देंगे। बाबा सुन, लग कुंदी जदी तो मुख मारा उन लग। अरे राम, आहा सीताराम। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हालत देख सकते हो इतनी पतली हो गई। और टाइम देखो कितना हो रहा है, 11 बजने वो, और अभी तक बिस्तर पे पड़ा हूँ। आलस देख रहा हूँ, आलस में गोल्ड मेडल लिया है अपन को। अब नहाते धोते हैं, फिर कल गणेश चतुर्थी है, तो उसकी तैयारी करनी है कुछ। और सभी फ्रेंडों ने गणेश जी की मूर्ति लेके आए हुए हैं, स्थापना की है, तो वहाँ भी चलेंगे। और पहले नहा धो के कंप्लीट करते हैं, मेन काम ये है अपना। और सामने चल रहा है CID, भाई साहब CID चलता। तो हाँ जी गाइस, अपन हो चुके हैं कंप्लीट नहा धो के, और अब गौ माता को रोटी देने आ गया। और जब भी रोटी दो चप्पल खोल के दिया करो, क्योंकि गौ माता में सभी देवता विराजमान रहते हैं। ये वो गौ माता। और दूसरी वाली भी एक एक देनी पड़ती है, क्योंकि दो दो गए हैं। और एक छोटा सा बच्चा, किची किची, बच्चा नहीं बच्ची है, दूध पीने में व्यस्त। और अब आज फास्ट है, तो अपन कुछ खा भी नहीं सकते, बट भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली। और अब मार्केट चलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अब बारिश आ गई, ऊपर वाले से शायद देरी है अपना, बारिश आ गई। और 5 रुपये ने नया फोन लिया यार, देखना तो पड़ेगा कौन सा फोन लिया है। बस अरे भगवान बारिश, और मैं बस हल्की सी इसके नीचे खड़ा हूँ, इधर जाऊँ इधर भी बारिश आ रही, बाहर जाऊँ बाहर भी बारिश आ रही। फोन को ज़्यादा आगे करूँ तब भी गीला होगा, पास में करूँ तो मैं नहीं दिखूँगा। 0.6 में करता हूँ, 1 सेकेंड 0.9 में हो गया अभी।
इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, रुको एक सेकंड। अब सही है, 0.6 में भी आ गया और बिट्टू दादा भी आते होंगे। आ जाए फिर चलते हैं और सीताराम। अरे यार सीताराम आ जाए, हम वो भी उनका वेट कर रहे हैं यार। बारिश तो रुक गई, भगवान साथ में है। आ गए। चलते हैं मार के। तो हाँ जी गाइस, सोच रहे होंगे दिन में वीडियो बनाई थी फिर डायरेक्ट रात को, तो आज का दिन पूरा बोरिंग था, तो बताने लायक कुछ ऐसा था नहीं। और कल हम जा रहे हैं गणेश जी की, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ये दिन साल में एक ही बार आता है, दिन तो 10 दिन रहते हैं ऐसे तो गणेश जी मतलब धरती पे, लेकिन कल गणेश चतुर्थी है, कल बहुत बड़ा दिन है। और कल हम 20 किलोमीटर पैदल पैदल जाने वाले हैं गणेश जी के, जो बासनी के हिंडोली से बासनी तक की दूरी है 20 किलोमीटर, तो हम वहाँ पैदल पैदल जाएंगे सुबह जल्दी 4 बजे उठ के, और नहा धो के कंप्लीट होके फिर हम जाएंगे। और आज की वीडियो को हम यही करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट ज़रूर देना। और जो कल वाला ब्लॉग आएगा वो कल वाला बहुत ही शानदार ब्लॉग आएगा, क्योंकि नए नए गणेश जी के अपन जाएंगे, दर्शन कराएंगे आपको। हिंडोली में बहुत सारी झांकियां वगैरह बनी है, उसके भी दर्शन कराएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।